समझदारी से घर का काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए हमें अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए और उसको बार बार रिपीट ना करने के लिए। चलिए आज आपके साथ ऐसे 16 धमाकेदार जीनियस होम हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसमें किचन टिप्स आने वाले हैं, किचन ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है, होम ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है, एज वेल एज बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन भी आने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स इसमें ऐसे हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं, यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम ही आने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है वो टिप्स आपको कैसे लगे, प्यारा सा लाइक भी कर देना। फेरी लाइट्स हम सब लोग यूज़ करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स इनकम्प्लीट होते हैं बिना फेरी लाइट्स के। फेरी लाइट्स मेरे घर में तो 12 महीने ही यूज़ होती है। अब इसमें दो वर्जन आते हैं, एक वर्जन आता है USB वाला और एक वर्जन आता है जिसमें हम बैटरी सेल यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें AAA की बैटरी चाहिए होती है, किसी में 2 लगती हैं और किसी में 3 लगती हैं। अगर आप बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं या कितनी ही बैटरीज खरीद लोगे, मैं यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करती हूँ, जिसमें कि ये बैटरी चार्जर आता है जो कि बताता है बैटरी अगर आपकी पूरी डिस्चार्ज हो गई है उसको चार्ज भी कर देता है, और साथ में अगर वो बैटरी खराब हो गई है तो वो भी दिखाता है। यहाँ पे ये देखो, ये एरर शो कर रहा है, इट मींस कि ये बैटरी खराब हो चुकी है, अब ये यूज में नहीं आएगी, और अगर बैटरी लो पावर हो गई है तो ये उसको रिचार्ज कर देगा जैसे नॉर्मल हमारे फोन चार्ज होते हैं। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक आर्टिकल आया जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि इजिली डीकम्पोज नहीं होती है, सालों साल की मेहनत इसमें लगती है एंड इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए। आजकल ग्लोबल वार्मिंग कॉमन फिनोमिना हो गया है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा बारिशें जिसमें फ्लड्स आ जाती हैं और ज़्यादा सूखा, जिससे कि वेजिटेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से अपना इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है, जिसमें कि मैंने बैटरी सेल्स जो हैं उनका यूसेज कम किया है। वो मैं कैसे कर रही हूँ, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फेरी लाइट्स हैं, इनको मैं USB कन्वर्टर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आप भी कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है तब भी कर सकते हो। करना क्या है, बस आपको कोई भी इस तरीके की USB केबल ले लेनी है। मेरे पास यहाँ पे पुराना माउस था जो कि USB कनेक्ट होता है, बट वो अब यूज़ नहीं हो रहा, कंडीशन आप देख ही रहे हो, इसीलिए यूज़ नहीं हो रहा है। इसको मैंने फेंका नहीं बिकॉज इसकी तार और USB काम कर रही है, इवन माउस भी काम कर रहा है, बट इसकी लुक्स जैसे हो गई हैं उस हिसाब से इसको काम में यूज़ करने का मन नहीं करता है। मैंने इसकी तार काट दी है और तार काटने के बाद मैंने इसका जो पील होता है वो निकाल दिया। इसमें यहाँ पे 4 तारें निकली। आप दूसरी अपनी USB चार्जिंग केबल्स जो होती हैं फोन के साथ आती हैं या फिर पावर बैंक्स के साथ आती हैं वो भी यूज कर सकते हो, उनको भी कट कर सकते हो। सो इस वाली जो केबल में है 4 तारें निकली हैं, वाइट, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, जिसमें से हमें वाइट और ग्रीन नहीं चाहिए, वो डेटा केबल्स होती हैं, अर्थिंग केबल्स होती हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेड और ब्लू। अब किसी किसी में रेड और ब्लैक भी हो सकती है, मेरे में रेड और ब्लू निकली है। अगर रेड और ब्लैक निकलती है तो आपको रेड और ब्लैक चाहिए। अब करना क्या है, बस पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को हमें मिला देना है। यहाँ पे मैं कुछ भी टैम्परिंग नहीं कर रही हूँ अपनी फेरी लाइट्स के साथ, जस्ट इसके साथ तारे कनेक्ट कर रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिटरमाइन करना है, जस्ट सिंपली तारों का छिलका निकालिए, जी उसको पील कर लीजिए, छिलका निकालिए उसका, और जो तार एक्सपोज हो गई है अपना USB कनेक्टर अपने पावर बैंक में लगाइए और दोनों तारों को एक दूसरे से, एक तरफ से और दूसरी तरफ से कनेक्ट करके देखिए। अगर आपकी फेरी लाइट ऑन हो जाती है मतलब आपने सही कनेक्शन बिठाया, अगर नहीं होती तो इंटरचेंज करके देखिए और तब देखिए कि आपकी फेरी लाइट ऑन होती है या नहीं होती। वैसे फेरी लाइट के पीछे बैक साइड पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिया होगा, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते। स्प्रिंग में जोड़ रही हूँ तारों को और डिटिव और दूसरी साइड जो है वहाँ पे अटैच कर रही हूँ सो दैट मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर मुझे ये USB फेरी लाइट नहीं भी यूज़ करनी, देन ऑल्सो मैं बैटरी दोबारा यूज़ करके अपनी फेरी लाइट यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज USB फेरी लाइट्स आर द बेस्ट टू यूज़। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कम करती हैं, आपका बैटरी कंजम्पशन भी कम करती है, जो कि आप बैटरी अगर बार बार, अगर आप वन टाइम यूज़ वाली बैटरी यूज़ कर रहे हो तो आप भाई बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो। मेरी ये रिचार्जेबल बैटरी कम से कम भी 4 साल आराम से चली हैं और अब जाके इनमें से 2 बैटरीज मेरी ख़राब हुई हैं। हाँ, इनकी पावर धीरे धीरे करके लो होती रहती है बट वो रिचार्ज भी होती रहती हैं। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे अगर आपको चाहिए। एंड वाला हमारी यहाँ पे USB कन्वर्टेड फेरी लाइट तैयार हो गई है, ये फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पे मिला होगा गाइज, ऐसा यूट्यूब पे वीडियो कहीं पे भी नहीं है। मुझे जब ये कन्वर्ट करना था मैंने हज़ारों वीडियो छान दी, मुझे कुछ नहीं मिला, तब जाके मैंने थोड़ा अपना दिमाग लड़ाया और ये आया है सामने, जिसमें कि मेरी बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट ख़राब नहीं हुई है।
अगर मुझे यूएसबी नहीं यूज करना है, मैं बैटरी से उसको चला सकती हूँ। इतना ज्यादा सिंपल है। कैसा लगा ये टिप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। आई लव्ड इट। एंड इसके बाद ना मैं जस्ट पावर बैंक्स यूज कर रही हूँ। मेरे पास 2-3 घर पे पावर बैंक है, उन्हीं से इनको यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम लविंग द थिंग। इवन आप इसको अपने फ़ोन के चार्जर में कनेक्ट करके डायरेक्ट लगा सकते हो, जैसे हम नॉर्मल अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। इसके पूरे फंक्शंस चल रहे हैं। अगर मैं इसका रिमोट से इसको ऑन ऑफ करूँ तब भी चल रहा है। अगर मैं इसमें कोई और लाइट सेटिंग्स कर रही हूँ तो भी चल रहा है। अगर मैं इसको डिम कर रही हूँ या फिर इसका ग्लोइंग पावर बढ़ा रही हूँ तब भी चल रहा है। सारे फंक्शंस इसके वैसे ही चल रहे हैं जैसे नॉर्मल बैटरी के साथ चलते हैं। बस ये है कि अब मुझे बार बार इसकी बैटरीज दोबारा चेंज नहीं करनी एंड मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मेरे घर से प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई होप इससे आपको भी मोटिवेशन मिली होगी और आप भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप जो अपने घर से वेस्ट निकाल रहे हैं, जो ट्रैश प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो चीज़ें हैं उनको रिसाइकल अपसाइकल करने की कोशिश कीजिए एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर जो दूसरा वेस्ट भी है, प्लास्टिक वेस्ट है, कुछ भी है, उसको कम से कम प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए या फिर उसकी जो कंजम्पशन है वो कम कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट करके बताना आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। आई नो इसमें से कुछ टिप्स YouTube पे फर्स्ट टाइम आ रही हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं और YouTube पे भी फर्स्ट टाइम है। जरूर कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा मत। जी, हमारा नेक्स्ट होम हैक भी YouTube पे फर्स्ट टाइम ही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, लास्ट वीडियो जो कि 4 जीनियस होम हैक्स थे, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मेश बैग्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो उस तरीके का मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको प्लास्टिक का जूना बताया था, उसमें मैंने आपके साथ एक तरीका शेयर किया था। आज उसी का अपग्रेडेड तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विंटर्स में ठंडे पानी में हाथ डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो मेश बैग्स हैं आप उनका इस तरीके से एक जूना क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगेन एक बॉल क्रिएट करनी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था और इस वीडियो में आप देख रहे हैं प्रोसेस। इसकी बॉल क्रिएट करते जाइए, जब एक अच्छी मोटी हो जाए उसके बाद आप अपनी कोई भी कोक, पेप्सी, कोई भी ऐसी प्लास्टिक बॉटल हो या बिस्लेरी की बॉटल हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर का माउथ का आप थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, कट कर लीजिए एंड उसके अंदर इसको इस तरीके से रैप कर दीजिए। ढक्कन खोल के आप इसको लॉक कर सकते हैं, कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है उसको कट कर दीजिए और ये हमारा एक स्क्रब तैयार हो गया है। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, इवन आप अपने बर्तन भी मान सकते हैं, बस ग्लासेस नहीं वॉश हो पाएंगे क्योंकि उनका माउथ थोड़ा छोटा होता है। आप इससे कुकर मान सकते हैं, प्लेटें मान सकते हैं, अपने बड़े बॉल्स मान सकते हैं, इवन इससे अपनी घर की सफाइयाँ कर सकते हैं, खिड़कियाँ साफ कर सकते हैं, इससे प्लेटफॉर्म साफ कर सकते हैं, गैस साफ कर सकते हैं, इवन आप अपने बाथरूम में टाइल्स हो या फिर वॉश बेसिन हो, नलके हो, वो सब भी साफ कर सकते हैं, इवन अपनी बाल्टियां वाल्टियां भी साफ कर सकते हैं। मल्टीपल आप इनको बना के रख लीजिए, हर घर के कोने में रख लीजिए एंड यू आर अपसाइक्लिंग द थिंग्स, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग वेस्ट। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, आपने इसमें कोई पैसे स्पेंड नहीं करे हैं, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर आपका बना है और यूजेस तो न्यूमरस हैं। जिस तरीके से आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, सफाइयों में आप इसको कहीं पे भी यूज कीजिए, इवन आप अगर इससे अपने कांच के बर्तन साफ कर रहे हैं या आप शीशों पे साफ कर रहे हैं, आपके नए बर्तनों पे इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे जो कि नॉर्मली स्कॉच ब्राइट या फिर जो हम स्टील का जूना यूज करते हैं उससे पड़ जाते हैं। इजी DIY। कैसा लगा ये टिप ये भी कमेंट करके बताना एंड दिस इज आल्सो फर्स्ट टाइम ऑन YouTube। गिव बड़े वाले लाइक्स टू द वीडियो और कमेंट तो भर भर के करके बताओ भाई कौन कौन सी टिप्स आपको अच्छी लग रही हैं। आई नो बहुत सारी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। घर में हमारे पास वुडन स्पैचुलास तो होते हैं, बट कुछ ऐसे स्पैचुलास होते हैं जो अब हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या फिर वो क्रैक हो जाते हैं, उनको आप यूज़ कीजिए अपने बेड और अपना काउच के कवर्स को अरेंज करने के लिए। आपकी बेडशीट्स बहुत अच्छे से टक हो जाएंगे, आपके काउच कवर्स बहुत अच्छे से टक हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छी क्रीज और डिफाइंड लाइन मिल जाएगी। बट यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करने वाले हैं। ऑनलाइन में आपने बहुत सारे सोफा कवर्स देखे होंगे जिनके साथ एक स्पॉन्ज लॉक आता है जो कि हमें सोफा में अंदर पीछे घुसाना होता है जिससे कि जो कवर है वो लॉक रहे।
बट आज हम इसका नो कॉस्ट DIY करने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मेरे घर की जब मैं डीक्लटरिंग कर रही थी, जो कि आप वीडियोस और सीरीज़ अभी देख ही रहे हो, नहीं देख रहे हो तो डू चेक द डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, तो उसमें सफाई करते हुए मुझे ये तारे घर पे मिली हैं और बहुत सारे इस तरीके के पॉलीथिन्स मिले हैं घर पे। ये पॉलीथिन्स तो मैं खैर रखने वाली हूँ बिकॉज ये मैट्रेसेस के पॉलीथिन्स हैं, एंड जब शिफ्टिंग करनी होती है तो ईजी रहता है, मैट्रेसेस पे मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती है तो मैट्रेसेस इसमें लॉक हो जाते हैं, आराम से साफ सुथरे रहते हैं। तारे मुझे मिली हैं और इसमें से एक मोटी केबल मुझे मिली है। इस मोटी केबल को मैंने अपने सोफे के अकॉर्डिंग, जो लेंथ है उसकी, उसके अकॉर्डिंग कट कर दिया है और यहाँ पे मैं गरम चद्दर बिछा रही हूँ अपने सोफे पे, बिकॉज बैंगलोर में ना आजकल टेम्परेचर 12 डिग्री तक चला जाता है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगने लग गई है, इसीलिए मैंने गरम चद्दर बिछा दी है सो दैट थोड़ा कंफर्टेबल रहे। और इसको मैं लॉक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्पैचुला, और इसको मैं वैसे ही डालूंगी जैसे कि हम स्पॉन्ज लॉक, जो कि हमारे ऑनलाइन कवर्स के साथ आता है, वैसा ही उसका रिप्लेसमेंट है ये वाली तार। सो जब आप इसको स्पैचुला के साथ अंदर डालते चलेंगे, आपका जो कवर है या जो आप चद्दर यूज़ कर रहे हैं वो लॉक होती चलेगी, वेल डिफाइंड एक क्रीज बन जाएगी और वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, चाहे आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करो, आप उसको इवन खिसका के आगे भी लेके आ रहे हो, वो तब भी अपनी जगह से नहीं हिलने वाली है। और जो आपका कवर है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और वो अपनी ही जगह रहेगा, इवन उसमें क्रीजेस वगैरह भी नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ, जो मैं वैसे तो अपने सोफे कवर करके ही रखती हूँ नॉर्मल बेडशीट से, बट देखो वो ऐसे क्रीजेज में हो जाती है तो मुझे डेली उसको ठीक करना पड़ता है। ये वाला जो धमाकेदार वाला जीनियस होम हैक है ना, इससे मुझे बार बार अपना ये वाला सोफे की साइड बार बार ठीक नहीं करनी पड़ती है और बहुत इजीली मैं ये चीज़ें डेली मैनेज कर पाती हूँ, चीज़ों को मुझे रिपीट नहीं करना पड़ता है घर पे। आप भी ट्राई कीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी, और जो आपकी पुरानी तारे यूज़ नहीं हो रही हैं वो भी यूज़ आ जाएंगी। मैंने आपके साथ एक यूट्यूब शॉर्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको जो जली हुई प्रेस प्लेट है, जो हमारी आयरन बॉक्स होता है उसका प्लेट जब जल जाता है वो ईजिली बिना घी से आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, वो हैक मैंने आपके साथ शेयर किया था जिस पे आज 41 या 50 के कुछ व्यूज़ हैं, आपको बहुत पसंद आया था और सब ने बोला कि ये होम हैक काम कर रहा है। बट वेल, अगर आपके पास अभी वो करने का टाइम नहीं है और आपको इमरजेंसी में प्रेस करनी है, आप कैसे कर सकते हो, आप लीजिए अपने घर किचन में जाइए, वहाँ से लीजिए एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल आप अपनी प्रेस प्लेट पे नीचे रैप कर दीजिए, और अगर आपकी स्टीम प्रेस है स्टीम को ऑफ कर देना, नहीं तो स्टीम आपके हाथ पे लगेगी आके। और ये जो आपने एल्युमिनियम फॉइल अब रैप करी है, इससे आप किसी भी टाइप का अब कपड़ा प्रेस कर सकते हो। अगर आप वाइट कपड़ा प्रेस कर रहे हो और आपकी प्रेस प्लेट गंदी है और आपकी प्रेस प्लेट पे कुछ जला हुआ लगा हुआ है, तो आपको पता है आपके वाइट कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और अगर वो जला हुआ आपके वाइट कपड़ों पे लग गया ना, वो दोबारा निकलता ही नहीं है, वो वाइट कपड़ा आपका ख़राब हो जाता है। इससे आप अपना लाइट से लाइट कपड़ा ईजिली प्रेस कर सकते हो बिना उसको गंदा किए, बिना उसको डैमेज किए। अगर आपकी टी शर्ट पे या आपके हस्बैंड की टी शर्ट पे रबर प्रिंट है, आप डायरेक्टली उस पर प्रेस लगा सकते हो, वो रबर प्रिंट आपकी प्रेस प्लेट के साथ चिपकेगा नहीं। और अगर आपको वाइट शर्ट्स या फिर आपको अपना वाइट कुर्ता प्रेस करना है, ईजिली इस ट्रिक से कर सकते हो, बहुत ईजी प्रेस होती है, जैसे आपकी नॉर्मल प्रेस होती है वैसे ही इस ट्रिक से भी प्रेस होगी। तो कैसी लगी ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो अपना होम ऑर्गेनाइजेशन का जीनियस होम हैक है ना, उसके लिए हमें चाहिए ईजी होम ऑर्गेनाइजर। अब यहाँ पे मैंने कोई DIY ऑर्गेनाइजर नहीं किया है, मैंने सिंपली दो ऑर्गेनाइजर्स परचेज करे हैं Amazon से, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। परफ्यूम्स की जो बॉटल्स होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं और उनको फेंकने का मन नहीं करता है, आप उनको यूज़ करते हो या उनको फेंक देते हो। मैंने ना उनको ऐसे ही रखा हुआ था, ख़त्म हो गई थी बट रखी हुई थी, मेरा उनको फेंकने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि इस तरीके की मेरे पास एक परफ्यूम बॉटल थी, उसका मैंने कैप वगैरह सब निकाल दिया, नाउ आई एम यूजिंग इट एज अ प्लांटर। कितना सुंदर लग रहा है और ये एकदम एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कर रहा है मेरे इस नॉर्मल से मेकअप ऑर्गेनाइजर को। जी, बात करें मेकअप ऑर्गेनाइजर की, तो ये मैंने ना अमेजोन से लिया था और घर पे पड़ा था, डीक्लटरिंग के टाइम मुझे मिला, बिल्कुल डब्बा पैक पड़ा था, तो मैंने कहा यार ये तो पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे को पता भी नहीं था, चलो इसको यूज़ करते हैं, इसको एज अ TV कंसोल पे एज अ TV यूनिट ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हैं, जिसमें कि मैं रिमोट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, अपने मल्टी वाइटमिन्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, और उसके बाद भी इसमें जगह बचती है जिसमें कि मैंने अपने बैटरी सेल डाले हुए हैं, एक चार्जर डाला हुआ है, एंड उसके साथ इसके जो छोटा सा बॉक्स कंपार्टमेंट है उसमें ओमेगा 3 की टैबलेट्स डाली हुई हैं जो कि डेली यूज़ आती हैं मल्टी वाइटमिन्स
लेने चाहिए। आजकल हमारा फूड इस तरीके का हो गया कि हमें पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। सो ये देखिए कितने अच्छे से टीवी पे ऑर्गेनाइज हो गया है। मैंने ना कुछ नए प्लांट्स के कटिंग्स लगाए थे जिनको मुझे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना था, तो मैंने उसको इसके साथ में रख दिया है। कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर बताना। इसी के साथ मिलता जुलता ना मैंने एक लेजी सूजन भी अमेजोन से मंगाया था जो अगेन मेरे पास पड़ा हुआ था। सो ये लेजी सूजन मैं किचन में यूज कर रही हूँ एज वेल एज मैं बाथरूम में भी यूज कर रही हूँ। इसमें दो ऑयल बॉटल्स आराम से आ गई, हैवी ड्यूटी ऑयल बॉटल्स हैं ये, बड़े साइज की। अच्छे साइज का मैंने इसमें चीनी का जो डब्बा है वो रखा है, साथ में अच्छे ही साइज का मैंने इसमें घी का कंटेनर भी रखा है। कितने अच्छे से इसने ले लिया है, वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है इस पे, और मुझे जो चीज चाहिए उसको घुमा के मैं निकाल सकती हूँ। डीक्लटरिंग करते टाइम मुझे घर में से इस तरीके के खजाने मिले हैं जो कि ऑलरेडी होम ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, बट ये ऑर्गेनाइजर वो हैं जो कि मेरे मल्टी यूज में आ सकते हैं। मैं इनको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकती हूँ। आप भी अपने घर को डीक्लटर करो, और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि डीक्लटरिंग आपको कैसे शुरू करनी है, बड़े परेशान हुए हुए हो, तो डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज जाके देखो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया आपको घर की डीक्लटरिंग कैसे शुरू करनी है। बाथरूम में भी एज अ ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ, जिसमें कि मैंने शैम्पूज रखे हुए हैं, शेविंग क्रीम रखी हुई है, बॉडी वॉश है, बॉडी ऑयल है, कितनी सारी चीजें रखी हैं जो कि हैंडी है। जस्ट इसको रोटेट करना है और जो चीज चाहिए वो इजिली निकाल सकती हूँ। इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। इसको आप एज अ मेकअप ऑर्गेनाइजर अपनी वैनिटी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा मेकअप है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे रखूं, तो आप उसको मेकअप ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। आज के ये धमाकेदार जीनियस होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, किचन टिप्स एंड होम हैक्स आपको कैसे लगे हैं जरूर कमेंट करके बताना। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट ही कॉन्टेंट जाता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कॉन्टेंट सेम नहीं है, तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, स्मार्टली उसको यूज भी करना है फॉर यू, फॉर द नेशन एंड फॉर योर फैमिली मेंबर्स। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखना।